पूरा मय है मुंगेर, कुमारी अनीता, कुमारी अनीता, हाँ पूरा मय है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हम क्या बताएंगे, आप क्षेत्र में जाके घूमिए। हम लोग का लड़ाई देखिए, जो समाज के लिए सोच रहे हैं, जो संविधान के लिए बात कर रहे हैं, जो बेरोजगारी के लिए बात कर रहे हैं, जो महंगाई के लिए बात कर रहे हैं, हम उसके साथ हैं सर। हमको भी बाबा साहब ने अधिकार दिया है वोट देने का, आप नहीं आते हैं हमारे पास, तो अब हम लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा अधिकार क्या है। आपको हम वोट क्यों देंगे, नहीं देंगे, विकास भी नहीं। बाहुबली का चुनाव है, ये जनता स्वतंत्र है, कौन बाहुबली है कौन नहीं है, वो सारे मुंगेर लोकसभा की जनता इस बार अबरी कुमारी अनीता देवी आरजेडी की जो महिला प्रत्याशी है उन्हीं को सब मन बना लिए हैं कि अबरी जिताने के लिए। हरिजन का नेता कौन? हरिजन के नेता अभी अशोक महतो, अनीता कुमारी। अनीता कुमारी जी सर, अंदर घुसेंगे तो प्रचार कहाँ करने के लिए जा रहे हैं? बेलची प्रखंड में जाइए, का वो बैकवर्ड हरिजन के गांव में नहीं जाते हैं? ये ललन सिंह, ललन बाबू नहीं जाते हैं? आज तक कहते कि कोई जनता के साथ आबरू नहीं हुए सर एकदम। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभु कुमार, आप देखे लाइव 24 न्यूज। मैं अभी बाढ़ में हूँ और ये बाढ़ पटना जिला में है लेकिन मुंगेर लोकसभा में पड़ता है। मुंगेर लोकसभा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रही है वो सेंसेटिव चुनाव होते जा रहा है। यहाँ ये अनंत सिंह को बाहर निकाला गया, जेल से पैरोल पर बाहर निकले हैं। इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं कि वो भाईचारा के जमीन के बंटवारों को लेकर के मेन टॉपिक ये है, बात हुई थी जब कोर्ट से उनको रिहाई मिली है, पैरोल पर जब बाहर निकले हैं तो जमीन बंटवारे को लेकर निकले हैं, लेकिन कई जगह ऐसा देखा है कि चुनावी सभा में वो शामिल हुए हैं। हालांकि हाईकोर्ट से परमानेंट बेल का उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो क्या ये जो है ये बाहुबली का चुनाव क्षेत्र मुंगेर बन गया, अनंत सिंह को ऐन वक्त पर बाहर निकाला गया, इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बाहुबली का चुनाव है, ये जनता स्वतंत्र है, कौन बाहुबली है कौन नहीं है, वो सारे मुंगेर लोकसभा की जनता इस बार अबरी कुमारी अनीता देवी आरजेडी की जो महिला प्रत्याशी है उन्हीं को सब मन बना लिए हैं कि अबरी जिताने के लिए, उन्हीं को मन बना एकदम मन बना लिए हैं। क्योंकि हमारे सांसद ललन बाबू ने ये सांसद रहे लेकिन आज तक कोई काम नहीं किए हैं। जैसे सरकट्टी पंचायत जाइए, 3 वर्षों से रोड एक डंगा टू सरकट्टी बहुत टूटी फूटी है, जो प्रसूति महिला नहीं जा सकती है, कितने बार एक्सीडेंट हो करके प्रसूति महिला में गाड़िए पर हो जाता है। इसके लिए पंचायत के जितने ग्रामीण जनता है लिखित में ललन बाबू के दिया गया, विधायक के दिया गया, लेकिन आज तक ये वो रोड इतना खराब है कि बिहार में कहीं नहीं रोड करते हैं, जहाँ तक कहते हैं विकास की गंगा कुछ नहीं किए। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम रोड चकाचक कर दिए हैं पूरा, देखा जाए बहरामा हासन चक एक डंगा अंदर घुसेंगे तब अंदर घुसेंगे तो प्रचार कहाँ करने के लिए जा रहे हैं? नहीं, बेलची प्रखंड में जाइए, का वो बैकवर्ड हरिजन के गांव में नहीं जाते हैं? ये ललन सिंह, ललन बाबू नहीं जाते हैं? आज तक कहते हैं कि कोई जनता के साथ आबरू नहीं हुए सर एकदम ही। तो मुंगेर का मिजाज की मतलब अनीता देवी, मुंगेर मिजाज कुमारी अनीता देवी के एकदम सारा एकदम मूवमेंट एकदम चेंज हो गया, मूवमेंट चेंज हो गया। हाँ, ये क्या नाम हुआ सर आपको? सुधीर पासवान। सुधीर पासवान जी, ये बताइए मतलब हरिजन का नेता कौन? हरिजन के नेता अभी अशोक महतो, अनीता कुमारी। अनीता कुमारी जी सर, चिराग पासवान कल दौरा कर रहे थे। देखिए सर, चिराग पासवान वो अपने क्षेत्र से दौरा कर रहे हैं, हम लोग अपने क्षेत्र से दौरा कर रहे हैं। हम देखिए, हम लोग का लड़ाई देखिए, जो समाज के लिए सोच रहे हैं, जो संविधान के लिए बात कर रहे हैं, जो बेरोजगारी के लिए बात कर रहे हैं, जो महंगाई के लिए बात कर रहे हैं, हम उसके साथ हैं सर। आप उसके साथ जी सर। तो क्या मुंगेर का मिजाज क्या है? मुंगेर के मिजाज एकदम दनादन है। दनादन है? हाँ सर, मतलब हरियर रहेगा, हरियर पूरा रहेगा, विजय होगा सर, पूरा। चलिए, एंटी इनकम्बेंसी काम कर जाएगा क्या? एंटी पूरा काम कर रहा कि करेगा क्या? पूरा मय है मुंगेर, कुमारी अनीता, कुमारी अनीता, हाँ पूरा मय है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हम क्या बताएंगे, आप क्षेत्र में जाके घूमिए, कहीं भी जाइए और देखिए कि पब्लिक का क्या रुझान है। ललन बाबू की आज बात होती है तो हमारे छोटे छोटे गांव में जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं कहीं नहीं जाते हैं, अब वोट घरे से मांगते हैं, वैसे मिलता है वोट। हमको भी बाबा साहब ने अधिकार दिया है वोट देने का, आप नहीं आते हैं हमारे पास, तो अब हम लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा अधिकार क्या है। आपको हम वोट क्यों देंगे, नहीं देंगे, विकास भी नहीं कर, गुमराह नहीं हुए, बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे, शिक्षित हम लोग हो रहे हैं, हमारा समाज शिक्षित हो रहा। आप पूरा क्षेत्र जाके घूम के देखिए कि पूरा मय है इस बार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक पासवान हुआ। दीपक पासवान जी, ये आप लोग चिराग पासवान को नेता नहीं मानते? चिराग पासवान जी को क्या नेता मानेंगे हम लोग,
वो तो कलेवा पहनते इतना। हाँ कलेवा पहनते हैं वो तो बात की बात है, वो संविधान के विरोध में मतलब है, जो कि भाजपा सरकार सीधे आरक्षण पे वार कर रही है। आप देख रहे हैं कि हर समय हर घड़ी, तो हमारा जो संविधान है वो जब रहेगा नहीं तो बहुजन समाज फिर कहाँ जाएगा। तो बहुजन के लिए हम लोग हैं, बहुजन के साथ हैं। और यहाँ पे कुमारी अनीता जो है, इस बार मौका है बदलने का, इसलिए पूरे मुंगेर में पूरा मय है, हर समाज के हर तबके के लोग इनके साथ खड़ा है, इनके साथ खड़ा है। बिल्कुल। चलिए एक भाई साहब और हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? रघु पासवान। रघु पासवान, ये बताइए कि मुंगेर लोकसभा दो टर्म से ललन सिंह हैं, तो क्या उनके विरोध में सरकार बनेगी, मतलब संसद बनेंगे? लोग बनेंगे, बनेंगे। कुमारी अनीता, कुमारी अनीता, अशोक महतो जो गरीब का मसीहा है, गरीब का मसीहा, जो बैकवर्ड हरिजन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बैकवर्ड हरिजन की लड़ाई तो आपको चिराग पासवान भी करेगा, हम लड़ रहे हैं। ये तो इनको तो पता नहीं कि आरक्षण के दम पर ही सांसद हुए हैं। हाँ। और आरक्षण हटाने की बात पर कुछ बोलते नहीं हैं। क्या बात है, सही बात है। ये आरक्षण के दम पर ही मुंगेर, वहाँ जहाँ हाजीपुर या जम्मू से सांसद हुए, आरक्षण हटाने की बात उनके, उनके साथ इनका बाबूजी का मूर्ति फेंक दिया गया था, बाबा भीमराव अंबेडकर का मूर्ति फेंक दिया गया था, फिर भी उसके साथ है। बताइए, मान लिया हमरे बाबूजी कोई मारेगा करी आएगा, फिर उसके साथ हम रहेंगे? कहाँ रहेंगे जी, हमारा बापे का मारा है, उसके बाद उसके साथ रहेंगे हम? अच्छा, बेटा होना जरूरी है? एकदम मस्त जरूरी है, बेटा को तो यही काम है, बाप खर खानदान का इज्जत बचाना। हाँ, पासवान नहीं बचा रहे? नहीं, ये कहाँ इज्जत बचा रहे हैं, हाल ही भेड़गांव में हत्या हो गया एक पासवान को, देखने भी नहीं आया है। भूमियार जाति, भूमियार जाति हत्या किया, उसका मान लिया नेटी दाम के एक अमौड़ी फेरा मार दिया गया, उसके बाद ललन सिंह पैरवी करके थाना छोड़वा लिया गया, छोड़वा दिया गया। तो बताइए, इसमें तो डायरेक्ट हो गया टिकुला के लिए? हाँ, अमौड़ी के लिए हुआ था, ये तो डायरेक्ट हो गया। मान लिया बैकवर्ड फॉरवर्ड एक तरह का लड़ाई है, मान लिया बैकवर्ड हरिजन को देखना नहीं चाहते ललन सिंह, तो मुंगेर बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है क्या? एकदम क्लियर कट है, एकदम क्लियर कट है। सब लोग जनता जान गया है, सब जनता जान गया, सब लोग जान गया है, सब समझदार हो गया। यहाँ मान लीजिए तुरंत पैरवी करता है, ऐसे थोड़े होता है। नहीं होता है। 2024 में सबसे ज्यादा हत्या पासवान का ही हुआ है। अच्छा, नीतीश कुमार के राज में सबसे ज्यादा हत्या पासवान का हुआ है, और कुल चिराग भी एक फ्रम हत्या हुआ है। कैसे? उसका कहना है कि मेरे साथ रहो आप पासवान, कहना हम चिराग के साथ रहेंगे, वही फ्रम हत्या हो जाता है। हम सरकार का नहीं सुनते, हाँ हाँ, हम लोग नहीं सुनते हैं तो हत्या हो जाता है। तो हम लोग कहा दलित महादलित के नेता लालू जी हैं, उन्हीं के साथ फिर से हम लोग बैक हो गए। बैक होंगे, सही बात है ये। जी जी, सही बात है, सही बात है। क्या कहें, मिजाज क्या है मुंगेर का? मिजाज है अशोक महतो जी करीब करीब 3 लाख वोट से मुंगेर लोकसभा से विजय होंगे। विजय होंगे? हाँ हाँ, पक्का। क्या कर रहे हैं? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं जी। चलिए, क्या नाम उनका? मुखर्जी भाई का। चलिए, नहीं बोलिएगा, सही बोल रहे हैं। तो मुंगेर का मिजाज जो है, मुंगेर का मिजाज गर्मी का थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ है। आइए 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 आइए, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद प्रसाद। अरविंद प्रसाद जी सर, मुंगेर का मिजाज क्या है? पूरे ठीक है सर। पूरे ठीक है मतलब कि हरियर है कि लाल है? एकदम हरा है सर। हरा है एकदम, बिल्कुल है सर। हरिया देना है पूरा, एकदम हरिया देंगे सर। लेकिन आपके पट्टा पर लाल है यहाँ, तो क्या करें? कलर पर किसी का कमांड नहीं है जी। नहीं लेंगे, मिलेगा सर, मिलेगा जी सर। मिला अनिता देवी जी सर। ललन बाबू का है? नहीं नहीं देंगे अनिता देवी, अनिता देवी को। चलिए, मुंगेर का मिजाज जो है, मुंगेर का मिजाज बदला हुआ है, गर्मी कम है और यहाँ पर गर्मी धीरे धीरे कम रही है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई हो गई है, इसलिए लड़ाई हो गई है। इसका उदाहरण स्वरूप हम ये देने थे, कुछ दिन पहले तकरीबन कितना, 1 महीना पहले जो बच्चे की हत्या हुई थी, 1 महीना का 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन, 24 तारीख को, यानी 24 अप्रैल को हुई है, 24 अप्रैल को हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 24 34, यानी कि 10-15 दिन की घटनाएँ हैं। उस घटनास्थल पर भी जाकर के हम ऑन स्पॉट दिखाएंगे, उस घटना के बारे में आप जिक्र कर देते हैं। जैसा कि पब्लिक भी कहें कि भूमिहार जाति के द्वारा उस बच्चे को सिर्फ आम, जो आम का जो टिकोला होता है, टिकोला तोड़ने के वजह से उसकी जीभ को काट दिया जाता है, उसे हत्या, हाथ तोड़ दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, और जो दोषी है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद
पैरवी के द्वारा उसे छोड़ दिया था, किसी को जेल नहीं किया हुआ है, कोई जेल नहीं किया नेम्ड अभियुक्त 24 घंटा के हाजत में रख के बाद छोड़ दिया गया। अभियुक्त एक जेल छोड़ दिया गया। प्राथमिकी अभियुक्त था, जो प्राथमिक जो मेन एक्यूज था, 24 घंटा थाना में रहने के बाद ऊपर से पैरवी आया, छोड़ दिया गया थाना से। परिवार से मिलने में एक बार ने कल वोट मांगे ललन बाबू पक्ष में आ गए, ये कौन बात हुआ बताइए। हमरा भूमियार हत्या करता है पर परिवार का, उसके साथ आप हैं। अरे आपका ठीक है, आपको वोट दिया जाता है मगर किस आधार पर दें वोट? आप तो हमरा हक के लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी केंद्र में बैठे हुए हैं, आप भी हमारा पैरवी करते। तो ललन सिंह ने हमरे दिनेश करता ना उसके दिनेश करता, जिसको दोषी था उसको सजा होता, प्रशासन भी उसी के पक्ष में, सरकार उसी का है, मेरा कुछ है ना है बताइए। बाइक पर भेजने का कहीं कोई वैल्यू नहीं है, क्या करें? देखिए हम विकासशील इंसान पार्टी से अमीर अकबिंद रैली बिन टोली के बोल रहे हैं। हम मोदी सरकार बोले थे कि बिहार में एक झोपड़ी नहीं रहना चाहिए था। सिमरिया पुल तर जो आग लग गया था, एक महीना लगा हो गया, लेकिन उनको कोई तरह की आफियत नहीं मिला। कल के डेट में हम लोग ने आपस में चंदा चुटकी करके उनको 25-25 किलो चावल खाने के लिए दिए, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार रहे या राज्य सरकार रहे, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा। राज्य में खर जनता को भुलावा दे रहे हैं कि हम यह करेंगे वह करें, हम लोग के गुमराह बना कर रखे हुए हैं। और बड़ा बड़ा पार्टी के एक बार कॉल करते थे उनको, लेकिन भनाक देकर 10 गाड़ी पहुंचते हैं। क्या कमी हुआ है आपको? हम लोग गरीब के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? चलिए गरीब के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? बिहार में हमेशा जातिगत मतदान होता है और जाति के आधार पर लोग यहाँ पर लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर जाति से उठ करके काम के आधार पर लोगों को वोट दिया जाए तो वहाँ पर राजनीति सफल माना जाएगा और देश और राज्य का विकास संभवतः संभव हो सकता है। लेकिन बिहार और यूपी जो है, खास करके बिहार जो है, जाति आधार पर जो जाति जनगणना भी है और जिसकी जितनी संख्या उस आधार पर अपना अधिकार मांग रहे हैं, जहाँ पर चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम पासवान बहुजन का नेता हैं, वो बहुजन के नेता आज से 15 दिन पहले एक पासवान परिवार के बच्चे को, मात्र 10 साल के बच्चे को बेरहमी से मार करके मार दिया जाता है और उस परिवार से मिलने तक नहीं आते हैं। और यहाँ चुनाव प्रचार में ललन सिंह के परिवार, ललन सिंह के चुनाव प्रचार में घूमते फिरते हैं, तो फिर किस अधिकार से कहते हैं कि हम पासवान के नेता हैं? लोग पासवान समाज के लोग कह रहे हैं कि हम चिराग पासवान को अपना नेता नहीं मानते हैं, लेकिन 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, 4 जून को रिजल्ट आने के बाद ये साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन किसको नेता मानते हैं। मैं शंभु कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, मुंगेर। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।